हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज सुनील चौहान। आई होप यू ऑल वेल। और आज मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और डेली बेसिस मेरे साथ मिलकर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आज क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, मैंने जैसे कि कल के वीडियो अगर आपने प्रेडिक्शन का देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि भाई मार्केट जो है सिस्टम को फॉलो कर सकता है, कल के सिस्टम को फॉलो कर सकता है। सुबह लाइव में भी मैंने ये चीज बोली थी। देखिए यहाँ पे कल क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट गिरा और फिर साइडवेज हो गया। आज भी क्या हुआ, कल वैसे परसों जो खुला था ना वो फ्लैट खुला था, लेकिन यहाँ पे इसने 44,300 का जो इंपोर्टेंट सपोर्ट हमने बनाया था उसको भी तोड़ दिया। एक भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई और सीधे ही मार्केट नीचे की ओर यहाँ पे आया और साइडवेज हो गया। दोनों ही टाइप के प्रीमियम, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, दोनों ही साइड के प्रीमियम, पहले के साइड के पुट के साइड में प्रीमियम जो थे उसको खाया मार्केट। ठीक है, तो लाइव में था, लेकिन लाइव में हमारा जो कॉल था बहुत ही बढ़िया कॉल था। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक जो है ना रिकॉर्ड करके मुझे रख देना चाहिए, क्योंकि डेली जब भी मैं ट्रेडिंग को खोलता हूँ ये लोग मुझे प्रीमियम प्लान बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है मैं क्या करता हूँ, इसका एक रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ताकि जब भी आए आप भी इरिटेट हो चुके हो, मैं भी इरिटेट हो चुका हूँ उस चीज से। डेली डेली क्या है इस चीज को बताना, ठीक है आप सबको, कि मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके चलिए, मजाक बहुत हो गई। अब निफ्टी जो है ना वो रिकवर कर गया है लास्ट में, लेकिन बैंक निफ्टी इतना रिकवर नहीं कर पाए। अभी मार्केट को क्लोज होने में एक आध मिनट बाकी होगा, शायद अभी 5 मिनट बाकी है मार्केट को क्लोज होने में। 3:24 हो रहे हैं जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ मार्केट में भी निकल के आने वाला नहीं, इसलिए मुझे लगा चलो कल के मार्केट का प्रेडिक्शन वीडियो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगा बात कर लेते हैं इसके बारे में। जितना निफ्टी में रिकवर किया है दोपहर के बाद, उतना बैंक निफ्टी रिकवर नहीं हो पाया, वो यहाँ पे साइड मूवमेंट में फंसा रहा है, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा बहुत रिकवर दिखाया है। लेकिन कल के टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें, जबकि 44,300 का जो है इसने सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया और नीचे भी चला गया, पूरा दिन मार्केट साइडवेज में रहा। तो अब कल हम जो ट्रेड करेंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या करेंगे कल अगर 44,800 को ये ब्रेक करता है यहाँ पे कहीं, तो पुट की साइड में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस अभी फिलहाल मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं। और ये गिरावट भी क्यों हुई, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट जो है वर्ल्ड के सारे वो डाउन में है। यूएस में क्राइसिस चल रहा है आप सबको पता है, तो वर्ल्डवाइज मार्केट सारे डाउन है, तो उसका असर बस मार्केट में थोड़ा बस दिखा, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं हुए कि हम सब रोने लग गए। ठीक है, मार्केट रिकवर कर जाएगा, 45,500 तक वापस से चला जाएगा, लेकिन अभी नीचे आया है ना, तो हमारे सबके पास ये मौका है कि वापस से जब तक 45,500 जाता है हम इसके साथ जाएं और अपना पैसा जो भी ये कुछ लॉसेस हमारे हुए हैं उसको हम कवर कर लें, ये हमारा नीड है। लेकिन 6 अक्टूबर को पॉलिसी आने वाली आएगी, तो ये साइडवेज रहेगा, क्योंकि ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। सीधी सी बात है, क्यों कोई रिस्क लेगा, तो रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए मार्केट का भी मूड जो है ना साइडवेज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वीक जो आने वाला है, उस वीक के अंदर एक दिन ऐसा आएगा शायद वो 6 अक्टूबर हो, जो प्रीमियम जो है ना 300 गुना 400 गुना 500 रुपए 500 गुना 100 रुपए वाला प्रीमियम जो है 500 जा सकता है, ऐसे चांसेस बनने वाले हैं, एक दिन ये जरूर आएगा। तो उस दिन को हमें कैप्चर करना है और पूरा प्रॉफिट जो है ना हमें घर लेके जाना है। तो उस दिन भी मैं लाइव आने वाला हूँ, कल भी मैं लाइव आने वाला हूँ, इसीलिए कहता हूँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो कल पॉसिबिलिटीज क्या है, मार्केट और गिरेगा कल, या फिर किस तरह से कल की सिचुएशन में हमें ट्रेड करना है। तो मुझे लगता है कि कल भी एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे ज्यादा नहीं बस छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग होगी जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और अगर हुई गैप डाउन ओपनिंग छोटी सी, सीधे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी ने कवर थोड़ा सा दिखाया है बस, लेकिन बैंक निफ्टी कल के टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिकवरी अभी दिखा सकता है, मुझे इससे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन पुट की साइड में मार्केट तभी होगा जब 43,800 उसको नीचे से मार्केट ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेंस करता है, यानी कि यहाँ सस्टेंस करता है, तब जाके पुट की ओर हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है कल, छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, कल चांसेस हैं उसके, तो जहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेगा कॉल की साइड में हम ट्रेड करेंगे। और अगर सीधे ही पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो गैप अप ओपनिंग होगी और पैटर्न को मार्केट फॉलो करेगा, तो जहां पे रेजिस्टेंस बनाएगा पुट की साइड में हम ट्रेड करेंगे, और कल भी मैं लाइव आ जाऊंगा और इस सिचुएशन से कल भी हमें बचना है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन होगी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन 6 अक्टूबर उस चीज को आप नहीं मिस कर सकते हैं। उस दिन हमारा पैसा, हमें जो भी कुछ लॉसेस वगैरह हुए हैं पिछले वीक में, उसको कवर करने का हमारे पास एक मौका है, तो उस चीज को आप मत भूलिएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं शुरू से अंत तक, तो हमने बहुत सारे वीडियो स्ट्रेटेजी के बना रखे हैं, हम बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं आप अगर, तो हमने पूरा फ्री कोर्स अपलोड कर रखा है, उसको भी आप देख के सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में, और देख सकते हो किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर नॉलेज वीडियो आपको लगातार चाहिए तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी चीजें जेन्युइन करके साथ सीखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछना है कुछ पूछ सकते हो, वहां पे मैं लाइव भी आता हूँ और आपके क्वेश्चन जो आपके मैसेज जो उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलूंगा कल, तब तक मार्केट में, तब तक इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मात्रा